लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के लिए कर्टेन रेजर सेरेमनी का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्टेन रेजर सेरेमनी के अवसर पर विभाग को शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उन्हें शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। वहीं अब 2018 में हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की, जिसके बाद परंपरागत उद्यम को मार्केट देने, टेक्नोलॉजी प्रदान करने का कार्य शुरू हुआ। वहीं परिणाम स्वरूप यूपी की ODOP देश में यूनिक योजना बन चुकी है। ODOP आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है, जिस पर यूपी को गौरव है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री यूपी के चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर एक ही दिन में 10 लाख करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल सकेगी। वहीं उद्योग जहां भी लगेंगे वहां सड़क बनेगी, बिजली मिलेगी और पेयजल की भी व्यवस्था होगी। वहीं नए रोजगार सृजित होंगे, आवासीय सुविधाएं भी विकसित होंगी।